चलिए आज बनाते हैं ऐसी रेसिपी जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, स्नैक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिनर रेसिपी एज यूजुअल जैसे भी आपको पसंद हो बहुत ही लाजवाब बनके रेडी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग बनके रेडी होगी जिसे आप स्नैक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, व्रत रेसिपी भी है क्योंकि विदाउट ओनियन गार्लिक ये बनके रेडी होगा और हम इस पर टमाटर का भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही लाजवाब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे जिस तरह हम लोग फिंगर चिप्स वगैरह बनाते हैं बस उसी तरीके मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में इसे कट कर लिया है। बिल्कुल पतला भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था 2 चमचे और यहाँ तेल गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स या फिर ज़ीरा आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू इसमें ऐड कर लिए हैं और अच्छे से घुमाते हुए जिससे कि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, ऊपर नीचे पलटते हुए आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगी और कम टाइम में आपके लिए एक वर्थ रेसिपी है। आप इसे स्नैक्स के केचप के साथ यूज़ कीजिए चाहे डिनर रेसिपी है हमेशा की तरह। और यहाँ मैंने कवर करके इसको रख दिया है और आलू 50-60% तक ये फ्राई हो चुका है और फ्राई होने के साथ साथ ये पक भी चुका है। एक बार स्पैचुला से इसे चेक कर लेंगे कि आलू हमारा पक चुका है और कितना पका है। कम से कम मुझे 60% तक आलू एकदम चाहिए पका हुआ। ये देखिए स्पैचुला इजीली अंदर कट कर रहा है आलू को, एक दो पीसेस देख लेंगे। इतना आलू कट होना चाहिए कि इजीली वो कट हो जाए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना क्योंकि अभी मसाले के साथ भी आलू फ्राई होगा। तो बस इतना ही होना है कि आधा ये पक जाए आलू। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी जो हम लोग रेगुलर स्पाइसेस पर डालते हैं। अपना टेस्ट अनुसार आप साल्ट ऐड कर लीजिए और बाकी एज यूजुअल जैसे हम मसाले डालते हैं। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है और हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च थोड़ी देर में ही डालूंगी। पहले देखिए मैंने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें रेड चिली का पाउडर का यूज़ करूंगी जिससे कि रेसिपी में कलर बना रहे और कलर उभर के आए आलू में रेड चिली का। उसके बाद थोड़ी देर मैं इसे कुक कर लूंगी, कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद 5 से मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। आलू देखिए अच्छे से फ्राई हो, मसाले में कोटिंग हो चुकी है, फ्राई हो चुका है इजीली और बहुत सॉफ्ट भी हो गया है, प्रॉपर पक चुका है। और ये देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा आलू पक चुका है। तो बस अब लास्ट में मैं इसमें आमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। आमचूर पाउडर का यूज़ लास्ट में ही कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा। अगर आप पहले करेंगे तो आलू नहीं पक पाएंगे, तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से कवर कर दिया और उसके बाद देखिए बनके रेडी है लाजवाब टेम्पटिंग हमारी आलू रेसिपी। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आपके पास कस्तूरी मेथी है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, मेरे पास फ्रेश धनिया था मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही लाजवाब बनके रेडी होगी, आप इसे कभी भी झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में रखे बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।